एक गधा अपने दोस्त कुत्ते के साथ टहल रहा था। वो उसे बताता है कि उसका मालिक उसे बहुत मारता है। कुत्ता पूछता है, तुम कहीं भाग क्यों नहीं जाते? गधे ने जवाब दिया, बात यह है कि मालिक की एक सुंदर बेटी है। जब भी वो पढ़ाई नहीं करती तो मालिक उसे डांटता है और कहता है, तेरी शादी गधे से करवा दूंगा, बस इसी उम्मीद में मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। नेताओं से भरी एक बस जा रही थी। अचानक बस सड़क से उतरकर खेत में एक पेड़ से जाकर टकरा गई। खेत मालिक दौड़ता आया। सब कुछ देखकर उसने गड्ढा खोदना शुरू किया और उसमें सभी नेताओं को दफना दिया। कुछ दिन बाद पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में पता लगा तो पुलिस सबसे पहले खेत मालिक के पास गया और उसने सभी नेताओं के बारे में पूछा। किसान ने बताया, उसने सभी नेताओं को दफना दिया है। पुलिस ने सोचा कि सभी नेता मर गए होंगे तो किसान ने उन्हें दफना दिया। फिर भी कंफर्मेशन के लिए पूछा, क्या वे सब नेता मर गए थे? किसान ने जवाब दिया, नहीं, सब कह रहे थे कि वह नहीं मरे, लेकिन आप जानते हैं कि यह नेता झूठ कितना बोलता है। अब उनके बाद का विश्वास तो नहीं किया जा सकता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर्स को प्लेन में बिठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई कि ये प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तभी सारे प्रोफेसर उतर गए, मगर कॉलेज का प्रिंसिपल वहीं बैठा रहा। लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये प्लेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। एक कवि गरीबी से तंग आके डाकू बन गया। डकैती करने वो बैंक गया और जाके सबके ऊपर पिस्तौल तान दिया और बोला, अर्ज किया है, तकदीर में जो है वही मिलेगा, तकदीर में जो है वही मिलेगा, हैंड्स अप, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। केशियर के पास जाके कहता है, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दो। जब वो बैंक लूट चुका था तो जाते जाते बोल के जाता है, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहां वहां देखने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां एक पेड़ पे एक बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा, क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना, अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल हिलाने लगा। तभी अचानक वो डाल जिसपे बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा और गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। सरदार जी पहली बार अपने लड़के मोंटी को स्कूटर पर घुमाने निकले। रास्ते में अंगूर दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा अंगूर खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े अंगूर मिलते हैं, ये तो अंगूरी है, अंगूरी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में सेब दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा सेब खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े सेब मिलते हैं, ये तो सेबी हैं, सेबी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में समोसा दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा समोसा खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े समोसा मिलते हैं, ये तो समोसी हैं, समोसी। करते करते वो मोंटी तो लेकर वापस आ गए और कुछ भी नहीं लिया। मोंटी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। माँ ने पूछा, पापा के साथ घूमने में मजा आया मोंटी? मोंटी ने कहा, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े पापा मिलते हैं, ये तो पापी हैं, पापी। रात के 10 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर देखा, मोबाइल पर मैसेज था, ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को गुस्से से पूछा, ये क्या है, तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी चकरा गई कि अब 50 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो चिल्ला कर चाचा को थप्पड़ मार दिया और बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। एक लड़का, चाय वाले से जल्दी एक कप चाय पीला दो। चाय वाला, दूध फट गया है, चाय कैसे बनाऊंगा? लड़का, चाय वाले का बर्तन लिया जिसमें दूध फटा था और बोला, 2 मिनट में आता हूँ। लड़का दर्जी के पास गया। दर्जी वाले ने पूछा, क्या काम है? लड़का, दूध फट गया है, सिल दो ना, चाय पीनी है। तीन दोस्त दारू पीने के बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले ने देखा कि तीनों पीकर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है और कहता है, हम पहुंच गए। पहला दोस्त उसे पैसे देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा झाड़ दिया। ऑटो वाले को लगा कि उसने जो किया वो इसे पता चल गया। ऑटो वाला क्यों मारा? तीसरा, अब से ऑटो जरा धीरे चलाना।